हेलो दोस्तों, मैं नंद कुमार, स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी स्कॉलरशिप का जो है कि ऑनलाइन करेक्शन डेट कब आने वाला है और कब संशोधन होगा, और जो कि दोस्तों कब स्कॉलरशिप आपके खाते में आने वाली है। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो बनाया कि कैसे स्टेटस चेक करें कि स्कॉलरशिप का फॉर्म सही है, तो वो जो एक नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसको जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे स्कॉलरशिप स्टेटस चेक किया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन करेक्शन कब होगा और स्कॉलरशिप कब खाते में सबके आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले गूगल खोल लेंगे, अगर जिसको वेबसाइट खोलना नहीं आता है, अगर जिसको खोलना आता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाली वेबसाइट इधर जो आएगी उस पर जो है कि हम लोग इधर क्लिक करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप NIC। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों होम पेज आपका वेबसाइट का खुल जाएगा। तो होम पेज खुल जाएगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कब जो है कि आपका करेक्शन डेट आने वाला है, अन्यथा आपका जो है कि टॉपिक छूट जाएगा। तो चलिए इधर जो है कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ जो है आ रहा है, इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल प्री मैट्रिक, टाइम टेबल पोस्ट मैट्रिक। तो पोस्ट मैट्रिक हैं तो पोस्ट मैट्रिक पर, प्री मैट्रिक हैं तो प्री मैट्रिक पर, उस पर जो है कि हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए टाइम टेबल इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने का वेट करेंगे। उसके बाद जो है कि कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11, 12 और 10 छात्राओं के लिए भी इसमें है। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखेगा, कब आपका ऑनलाइन का डेट था, कब क्या था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इधर बात करते हैं, तो इधर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बात करूँगा ओनली 10 के लिए। आप उसमें भी डाउनलोड करके जो प्री मैट्रिक है उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे आएंगे, नीचे इस तरह का स्क्रॉल करते आएंगे। तो दोस्तों 10 तक लास्ट डेट था, 10 तक जो है कि लास्ट डेट ख़त्म हो जाने के बाद इस तरह सारा सब कुछ पढ़ते जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 11, 12 एवं अन्य 10 कक्षाओं के अवशेष नवीन फ्रेश एवं नवीनीकरण छात्र छात्राओं हेतु। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे फॉर्म फिल करने का डेट था। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे जो है कि आप देख सकते हैं 25 से और 20 अक्टूबर के बीच में PFMS द्वारा आपका आधार कार्ड सत्यापित किया जाएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, यानी 21 नवंबर से 24 नवंबर के बीच ये देखा जाएगा कि कहीं आपका डाटा गलत तो नहीं है। उसके बाद ये 22 नंबर कालम है, इसमें देखिए 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र छात्राएं और कल्याण अधिकारियों द्वारा लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करना के पुनः आवेदन सबमिट किया जाना। तो दोस्तों ये जो कि पुनः जो है कि आप सत्यापित करके ये देख लेंगे कि कब जो है कि हम लोगों का डाटा कौन सा गलत है, तो उसको जो है कि 20 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के 3 दिन बाद आपको फिर से कॉलेज पे सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आपको जमा करना होगा, वो जो कि 21 से आपको 6 दिसंबर तक कॉलेज जो है कि फिर उसको सत्यापित करेगा। तो ये ध्यान दीजिए कि संशोधन का डेट 20 से जो है कि 31 नवंबर समथिंग नवंबर तक आपको, 30 नवंबर तक आपको जमा करना होगा। तो ये था संशोधन का, और जो कि कब तक आपके खाते में आ जाएगी, तो दोस्तों ये जो है कि 26 जनवरी 2020 तक आपके खाते में सारी स्कॉलरशिप जिसकी जिसकी है वो आपको पेमेंट मिल जाएगा आपके खाते में। उसको भी बता दिया जाएगा कैसे अपना पेमेंट चेक किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।